एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होगा यानी 1/2 उसको हमने क्या करना है, कैंसिल। ठीक है, अब उसको कैंसिल करने के लिए हमने 64 को इस ढंग से ब्रेक करना है, इस ढंग से फैक्टराइज करना है, वो चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना डिनोमिनेटर 2 है तो 64 को हमने ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में यानी 8 × 8। तो 8 की पावर क्या आ गई, 2 होल पावर 1/2। जब 8 की पावर m होल पावर n, तो हम m इंटू n करते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 2 × 1/2 यानी 8 की पावर आ गई 2 × 1/2। अब 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 8 की पावर क्या बची, 1। तो 8 की पावर 1 क्या होती है, 8। तो ये था पहला पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। मैंने क्या बताया, 32 जो ये होगा उसको इस ढंग से ब्रेक करना है, उसके कितने फैक्टर बने, 5। तो 32 को क्या ब्रेक किया मैंने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। सेम वैसे ही 2 की पावर 5 इंटू क्या बन जाएगा, 1/5 एम इंटू एन एम एन। तो 5 × 1/5 5 5 कैंसिल, 2 की पावर क्या आई, 1 यानी 2। अब इसके मैंने आपको दो पार्ट समझा दिए, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पार्ट खुद करने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। अब है 60, इसके भी मैं इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि जो आपको जैसे 16 दिया, इसको इस ढंग से ब्रेक करना है, कितने फैक्टर होने चाहिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3/4, डिनोमिनेटर क्या है, 4, यानी 4 फैक्टर बनाने हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स, होल पावर है 3/4, 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। तो मैंने बताया था एम इंटू एन क्या होता है, एम एन। तो 2 की पावर आ गई 4 × 3/4, 4 और 4 कैंसिल, 2 की पावर आ गई 3, यानी 2 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 यानी 8। तो 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8। अब फोर्थ पार्ट है 125 होल पावर -1/3 नेगेटिव में। एक बात का ध्यान रखना, जब भी पावर लिखना है वो पावर में ही होना चाहिए, ये नहीं कि मल्टीप्लाई में नजर आए। तो 5 × 5 × 5 होल पावर -1/3, 5 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स, क्योंकि -1/3 था, डिनोमिनेटर में क्या था, 3। तो -1/3 होल पावर है, तो 5 की पावर भी क्या बनानी थी हमने, 3। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3 होल पावर -1/3। तो m इंटू n क्या होता है, एम एन। 5 की पावर आ गई 3 × -1/3। अब ये 3 और 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या आई, -1। तो जब भी नेगेटिव में पावर हो हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसको 5 को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/5। तो 1/5 ही इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 raised to power 2/3, 2 raised to power × 1/5। अब ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में पावरें क्या करते हैं, ऐड। तो 2 की पावर आ गई 2/3 + 1/5। अब ये बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो एलसीएम 3 और 5 का क्या आएगा, 15। जब 15 एलसीएम हो, 15 को हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड, 5। 5 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आ गया 10। इस 15 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, कितना आया, 3। 3 × 1 = 3। अब 10 + 3 कितना हो गया, 13/15, यानी 2 raised to power 13/15। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है 1/3 raised to power 3 और होल पावर है 7। अब ये 7 दोनों की पावर है, इसलिए 1 की पावर भी 7 लिखी और 3 की पावर भी 3 × 7। अब 1 की पावर 7 1 होता है, 3 की पावर 3 × 7 कितना आ गया, 3 की पावर 21। अब ये डिनोमिनेटर 3 की पावर 21 डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे पॉजिटिव पावर नेगेटिव में हो जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव में, इसलिए इसका आंसर क्या है, 3 raised to power −21। थर्ड पार्ट है 11 raised to power 1/2 / 11 raised to power 1/4। अब बेसिस सेम है, डिवाइड में पावरें क्या होती है, माइनस। तो 11 की पावर आ गई 1/2 − 1/4। अब 2 और 4 कैल्शियम आया, 4। 4 को 2 से किया 2, 2 × 1 = 2। 4 को 4 से किया 1, 1 × 1 = 1। तो 11 की पावर क्या आ गई, 2 − 1 = 1, 1/4, 11 raised to power 1/4। लास्ट पार्ट है इसका 7 raised to power 1/2 डॉट यानी इंटू 8 raised to power 1/2।
अब बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई में हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पावर सेम हो तो। तो 7 × 8 होल पावर 1/2, 7 × 8 क्या आ गया 56, तो 56 की पावर क्या है 1/2, यही आंसर होगा।